और अब हम आपको सुनाने वाले हैं नादिया की शादी के जोड़े की कहानी उसकी अपनी जबानी आमना बताएंगी। आमना शुरू करो। आमना तुम्हारी जिंदगी में तब थी? आमना तब भी थी। हाँ। और बस आमना की अच्छी आने वाले कई सालों में आमना है इंशाल्लाह। पहले आमना तो उससे काम करी थी, फिर बच्चों के बाद अलाउड नहीं था इसको कि जॉब वॉक करे, तो मैंने कहा तुम यू वर्क फ्रॉम होम इट्स फाइन, आई हायर्ड हर कि नहीं इतनी काबिल लड़की, इतनी मेहनती, इसको काम करना चाहिए। तो मेरी मैनेजर भी हैं, मेरी शॉपिंग पार्टनर, शॉपिंग सारी कराना, पी आर, यूट्यूब देखनी है, कुछ भी घर का होता है। हम आमना को बताते हैं आमना ये चेक करो, ये तो पूरी मार्केट में ढूंढ के प्राइसेस करवा के फिर ये बस काम करवा देती हैं, उससे नहीं होता। बहुत अच्छी बात। हर चीज मैं तो जब तक गोली मार ना जाऊं खुद कमोड चेक करने के लिए मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं बड़े अंदर से मजदूर हूं, टाइले अरे यार सर ये क्लिफ्टन में महंगे मिल रहे हैं यार, यहां सस्ते हैं। और नादिया ना फर्क गोली मार जाए आप रियली कमाल। तो वो तो सड़क पे ही मेरे दुकानें आ जाती हैं डिस्प्ले पे, है ना, लेकिन चीजें मिल जाती हैं, कारीगर नहीं मिलते। मुझे जो प्लम्बर मिले हैं ना भाई, मेरा तुम्हारी सोच है अल्लाह, इतना नीट काम है उनको कि मैंने कहा कि जो पहले से भी चीजें लगी है ना उनको भी उखाड़ के दोबारा मैंने किया ही है। इतना नीट काम था, मैंने कहा बहुत नंबर का नंबर है। फैसल कहते हैं मैं घर से कहीं जाता हूँ ना तुम पीछे ना घर को ना तोड़फोड़ शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं ये कारीगर, उसने जो पैसे, मैंने कहा भाई आप कमाल है, आप कमाल है। हाँ। अच्छा ये बताओ जोड़े की क्या कहानी है, रेडीमेड उठाया कहीं से बनवाया, जल्दी जल्दी शादी का हुआ सिनेरियो क्या? हाँ, क्या तो दिन कम थे, कोविड भी था। हाँ। हाँ। तो हमें तो वैसे बहुत सारे डिजाइनर्स कॉल करने लगे कि आप हमारा पहन ले, हमारा। हाँ, भाई मैंने नादिया को बोला, मैंने कहा ये सारी चॉइसेस हैं, नहीं मैं फैसल के पैसों से पहनूंगी। तो फिर ये हम गए क्लिफ्टन पे, गए थे हम, वहाँ से हमने ये बना बनाया था। स्टोर ढूंढ के दिया उन्होंने, हमने जल्दी जल्दी करते हैं बस बना दें। 5-6 स्टोर विजिट किए, फिर रेडीमेड के फॉरम में एक बिल्कुल सामने एक ही शादी के कपड़ों की दुकान है, मुझे नाम याद नहीं है ना, एक उसमें अच्छी बात है उनके पास बने हुए होते हैं कपड़े, आपको सिर्फ स्टिच कराने हैं। अच्छा पूरा काम ये हुआ हुआ था, सिर्फ स्टिच हुआ है, मैंने कुछ ऐड नहीं किया। बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। हाँ दिन कम थे, वलीमे का भी शादी का भी, खड़े खड़े बस ये बस हम पसंद कर आए और स्टिच करने के लिए दे दिए। बहुत अगले दिन मिल गया ड्रेस, स्टिच हुआ हुआ, रीजनेबल भी था प्राइस। अच्छा आप जैसे के फैसल भाई की जेब कितनी खाली हुई? नहीं मैं तकरीबन मेरे 1.5 लाख में दोनों जोड़े आ गए। ये बेस्ट है, वलीमे का भी, शादी का भी, 6-6 लाख के ड्रेसेस हमें डिजाइनर्स दे रहे थे। हां डिजाइनर्स दे थे बट मैंने कहा नहीं अभी से आते सही होनी चाहिए शुरू से। नहीं मुझे उनको भी शौक था कि मैंने लेके देने, मुझे भी था, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा हटके ऐसे यही बनाए अच्छी उसकी अपनाइयत ही अलग है ना। साथ गए मैं वहाँ ट्राई कर रही ऐसे ऐसे आ रही। हाँ अच्छा और अब नादिया और ये जोड़ा ऐसा है आप कहीं और भी पहन सकती हैं, क्योंकि शरारा नहीं है ना। एग्जैक्टली शरारा होता तो फंस जाते हैं आप। नहीं इसके साथ वही टाइट्स हैं क्योंकि मैं वही कैरी कर रही हूं, अपनी शादी में भी नहीं पहन सकती पजामा पहना है बस। इस पे इन्वेस्टमेंट अच्छी रही ना क्योंकि आगे भी ये चल सकता है। दुपट्टा बहुत हैवी है और ये इतना हैवी है तुम इसको जरा पकड़ के देखो तो मतलब पता चलता है कि इट इज सो हैवी। हाँ क्यों एक कलर प्यार है ना, है ना। और बाद में जब तुम्हारे से जी भर जाए ना नादो तो ऊपर वाले जो बॉडी है उसका अलग जोड़ा बनाना और नीचे वाले का अलग जोड़ा बनाना मुझे दे देना। मैं रीमेक कर सकती हूं, नहीं ये मतलब दे देना, मैं रीमेक कर सकती हूं, मैं पूरा जोड़ा रीमेक कर दूंगी। वो एक शो बनेगा एक जबरदस्त। सीरियसली मुझे मेरा ना ये मेरा फेवरेट काम है जोड़ों को रीमेक कर। अच्छा अभी तो मैं तुमसे सवाल पूछूं, ये बहुत लंबा है इसको मैं शॉर्ट कैसे करूं? शॉर्ट मुझे नहीं पता कि ये इतना लंबा कैसे बन गया। ये वाला जो पोर्शन है देखो वैसे भी जरूरी शॉर्ट करना है मैंने, ठीक है। अगर इसको तुम निकाल भी देती हो और इसको पूरा एप्लिक करवाओ जो इसकी ये चीज है, ये पूरी एप्लिक हुई भी ना ये डिजाइन, तो ये आपकी इतनी लेंथ आ रही है देखें। तो अभी कंफर्टेबली पहन के अभी कितना आ रहा है इसको, कितना शॉर्ट कराऊं? शॉर्ट तुम क्यों करा रही हो वैसे? मैंने शॉर्ट भी लॉन्ग लिया, जब हील्स के साथ पहनूंगी तो सही लेंथ बनेगी। हील के साथ भी मैं फनी लग रहा था, इतना 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 करो इसको, मतलब मुझे ये कि ट्राउजर नजर आए थोड़ी सी। ये पोर्शन निकलेगा और ये आपका एप्लिक होगा, ये वाला काम ऊपर आ जाए, इसको ही एप्लिक करवा लो तो डबल बॉर्डर हो जाएगा और बुरा नहीं लगेगा, ये तुम्हारा कपड़ा निकल जाएगा। ये करूं मैं? सही है। मैंने तो जो अपने जैसे म्यूजियम में नहीं शादी के जोड़े को रख लेते हैं, मेरा जो जहीर अब्बास ने रिवैम्प करके दिया था ना, मेरा बाकी सारा, क्योंकि शादी को 20 साल हो गए
और मैंने तो 15,000 का जोड़ा लिया था, प्योर व्योर भी नहीं था, वो तो गल सड़ गया, उसका जो पूरा ऑर्गेंजा था वो गल गया, काम रह गया, ऑर्गेंजा गल गया। तो ज़हीर अब्बास ने क्या किया, मेरे पूरे शरारे की जो बॉर्डर थे ना, काट लिया मैंने भी ऐसे, वो काम काट के प्लेन शिफॉन की लंबी सी इस तरह की वो शर्ट बनाई, और वो पूरे शरारे का जो एप्लीक थी वो थी काम की, जो फटा नहीं था, जो बचा हुआ था वो पूरा उस पर लगा दिया। अब वो मेरा पूरा ऊपर प्लेन है, मैं अपने शादी का ही सेट निकालती हूँ और वो मैं पहनती हूँ। मैंने मीरब का भी बनाया अपने शरारे से, उसका मीरब का बनाया अपना, उसका ये अजार बनाया शरारे को कट करके 2 पाइंचे का, और स्ट्रेट गोल्ड की शर्ट के साथ प्योर उस पर जामा वाले के साथ मैं पहनती हूँ, और दुपट्टे को पीछे से ऐसे करके कोट की तरह लेती हूँ, क्योंकि दुपट्टा उसका बहुत है। मेरे पास मेरी अगला है शादी का साड़ी बनाऊंगी। Assalamu alaikum everyone, this is Yash Magil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Rajatil to stay updated.